नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर जो भी खबर बताई जाती है बिल्कुल सही खबर बताई जाती है। यहाँ पर देश विदेश और सभी राज्यों की खबरें बताई जाती है। अगर दोस्तों आप भी सभी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले घंटी के बटन को जरूर दबा ले ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। आइए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की पहली ताजा बड़ी खबर आ रही है, वोडाफोन के बाद एयरटेल और आइडिया ने भी महंगी की कॉल दरें। हाँ दोस्तों, ये कॉल दरें लागू हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहेंगे कि वोडाफोन के बाद भारतीय एयरटेल ने कॉल दरों में 42% तक का इजाफा करने का फैसला किया है। नई दरें 3 दिसंबर 2019 से लागू हो जाएगी। कंपनी ने कहा कि नए प्लान पहले की तुलना में 42% तक महंगे होंगे। इसके साथ ही कंपनी का सबसे सस्ता प्लान 49 रूपए का होगा। भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया तीनों कंपनियों ने अपनी दरें बढ़ा दी है और ये दरें 3 दिसंबर से लागू हो जाएगी। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, बीते 100 साल में रेलवे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। 100 कमाने के लिए 98 रूपए खर्च कर रही है। दोस्तों मैं आपको बता दें कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की एक रिपोर्ट से पता चला है कि पिछले वित्त वर्ष में भारतीय रेल की कमाई का अनुपात बहुत ही कम हुआ है। चलिए दोस्तों पहले बात कर लेते हैं सोना चांदी पेट्रोल और डीजल के भाव के बारे में। उसके बाद केंद्र सरकार से कुछ बड़ी खबरें आई है, उनके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों मैं आपको बता दें कि लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि इस पर टैक्स कटौती करने की किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। पेट्रोल की कीमत में आज भी कई शहरों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में आज पेट्रोल 74.91 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। पेट्रोल की कीमत में आज 3 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई है। अगर डीजल के भाव की बात करें तो डीजल दिल्ली में 65.78 रूपए प्रति लीटर रहा। डीजल में कोई बदलाव नहीं किया गया। चलिए दोस्तों आपको बता दें कि 3 दिसंबर को सोने के भाव किस प्रकार से रहे। सोने में 126 रूपए की गिरावट के साथ सोना 37,905 रूपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। अगर चांदी की बात की जाए तो चांदी में 275 रूपए की गिरावट के साथ 44,780 रूपए प्रति किलोग्राम रही है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, महंगी हुई मोबाइल सेवा के लिए रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। दोस्तों मैं आपको बता दें कि निजी कंपनियों की ओर से फोन और इंटरनेट चार्ज महंगा किए जाने को लेकर सोमवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोप का जवाब देते हुए टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लचर मोबाइल व्यवस्था यूपीए की दागी विरासत थी, मोदी सरकार में इसे दुरुस्त किया गया है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में प्याज की कीमतों पर घमासान मचा हुआ है। केजरीवाल के घर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। प्याज की बड़ी कीमतें इन दिनों रुला रही है। प्याज की बेलगाम कीमतों के खिलाफ अब कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है भारतीय मौसम विभाग से। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले 24 घंटों के दौरान केरल, दक्षिणी कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। चेन्नई सहित उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में गतिविधियां कम होने की संभावना जताई गई है। उत्तरी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और आसपास के तटीय भागों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और गरज के साथ वर्षा होने के आसार जताए गए। देश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। मध्य और पूर्वी भागों से सटे उत्तर पश्चिम मैदानी इलाकों में रात के तापमान में और गिरावट आने की उम्मीद जताई गई है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, जया बच्चन ने कहा कि बलात्कारियों को जनता के बीच मिले मौत की सजा। हैदराबाद में महिला पशु चिकित्सा के साथ सामूहिक दुष्कर्म को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद ने कहा कि ऐसे लोगों को जनता के बीच लाकर उसे पीट पीट कर मार देना चाहिए। हैदराबाद की गैंग रेप हत्याकांड को लेकर जया बच्चन ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर नियंत्रित करने के लिए क्या कर रही है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि हैदराबाद की अमानवीय घटना से पूरा देश शर्मसार हो गया। महिला सुरक्षा का मुद्दा संसद के दोनों ही सदनों में गूंजा। इस दौरान दोनों ही सदनों के सभी सदस्यों ने एक स्वर में हैदराबाद की घटना को दुखद बताते हुए महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों को और सख्त बनाने व दोषियों को तत्काल सजा देने की मांग की। वहीं सरकार ने भी घटना को शर्मनाक बताते हुए सदस्यों की मांग का समर्थन किया और कहा कि यदि सदन में और कड़ा कानून बनाने को लेकर सहमति बनती है तो सरकार इसके लिए तैयार है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, सरकार की आलोचना करने वाले कारोबारी राहुल बजाज से मिले पीयूष गोयल। दोस्तों मैं आपको बता दें कि देश के जाने माने बिजनेसमैन और बजाज समूह के चेयरमैन राहुल बजाज इन दिनों अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में।
हुई है। दरअसल उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और वाणिज्य तथा रेल मंत्री पीयूष गोयल के सामने मोदी सरकार की आलोचना कर दी है। आम लोगों ने राहुल बजाज की सराहना भी की, वहीं वो सोशल मीडिया पर ट्रोल्स का निशाना भी बने। मोदी सरकार के विरोधी दलों ने उनके बयान के जरिए केंद्र सरकार को घेरने में देरी भी नहीं की। हालांकि कार्यक्रम के दौरान राहुल बजाज की टिप्पणी के तुरंत बाद उसने मिलने वाणिज्य और रेल मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, बेरोजगार मजदूरों को काम पर लगाए सरकार। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कड़ा रुख अपना लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सभी कॉरपोरेशन NDMC और राज्य सरकार को सड़कों के किनारे से मलबा और ट्रस्ट हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 2 दिन में हलफनामा दायर करने को कहे। मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अयोध्या मामला, पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मंगलवार को एक बार फिर उच्चतम न्यायालय की दहलीज पर पहुंच गए। मुस्लिम पक्ष के मूल याचिकाकर्ता के प्रतिनिधियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका लगाई है। अयोध्या मामले में गत 9 नवंबर को शीर्ष अदालत का ऐतिहासिक फैसला आने के लगभग 3 हफ्ते के बाद जमीयत उलेमा ए हिंदू ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की। 217 पन्नों की इस याचिका में याचिकाकर्ता ने संविधान पीठ के फैसले का सवाल उठाया। याचिका में मुस्लिम संगठनों का पक्ष दोबारा चुने जाने की मांग की गई है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में भामाशाह कार्डधारियों को निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज नहीं मिलेगा। राजस्थान में झुंझुनू के खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल भामाशाह कार्डधारियों को निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज नहीं मिलेगा। निजी अस्पताल संचालकों ने आज बताया कि झुंझुनू के निजी अस्पतालों ने इस योजना के तहत अब इलाज न करने का फैसला किया। राजस्थान के अन्य जिलों में भी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े अस्पतालों ने यह निर्णय रविवार को ले लिया है, लेकिन झुंझुनू के अस्पतालों ने सोमवार को अपने इस फैसले की जानकारी लिखित रूप से सरकार को दी है। निजी अस्पताल के संचालकों ने आरोप लगाया कि भामाशाह योजना में बीमा कंपनी द्वारा भुगतान नहीं करने वे बार बार सरकार को इस बारे में अवगत कराने के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया। इस पर निजी संचालकों ने भामाशाह योजना के तहत इलाज करना बंद कर दिए। संचालकों ने कहा कि जब तक उनकी समस्त मांगे पूरी नहीं हो जाती राज्य के सभी निजी अस्पताल भामाशाह योजना में उपचार पूरी तरह बंद रखेंगे। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। शरद पवार का दावा, पीएम मोदी ने मिलकर काम करने और सुप्रिया सुले को मंत्री पद का दिया था ऑफर। दोस्तों मैं आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पवार ने कहा कि पीएम मोदी ने मुझे साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव दिया था। मैंने उनसे कहा कि हमारे निजी संबंध बहुत अच्छे और वो हमेशा रहेंगे, लेकिन मेरे लिए साथ मिलकर काम करना संभव नहीं है। पवार ने ऐसी खबरों को खारिज कर दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें देश का राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव दिया। मोदी नेतृत्व वाली कैबिनेट में सुप्रिया सुले को मंत्री बनाने का एक प्रस्ताव जरूर मिला था। सुप्रिया सुले पवार की बेटी है और पुणे जिला में बारामती से लोकसभा सदस्य है। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर चल रहे घटनाक्रम के बीच पवार ने पिछले महीने मोदी से मुलाकात की थी। मोदी कई मौकों पर पवार की तारीफ कर चुके। पिछले दिनों मोदी ने कहा था कि संसदीय नियमों का पालन कैसे किया जाता है, इस बारे में सभी दलों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से सीखना चाहिए। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है गृह मंत्री ने कहा कि गुजरात में हाल ही में दुष्कर्म के 3 मामलों के आरोपियों को सरकार दिलाएगी फांसी की सजा। दोस्तों मैं आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने आज कहा कि वह सुनिश्चित करेगी कि राज्य में हाल ही में हुई दुष्कर्म की 3 घटनाओं के आरोपियों को फांसी की सजा मिले। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है भाजपा नेता प्रहलाद जोशी का कांग्रेस नेता अधीर रंजन को जवाब है, सोनिया गांधी को कहा घुसपैठिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घुसपैठिया कहा। मोदी जी केवल भाषण के ही नेता नहीं है बल्कि देश के प्रधानमंत्री है। अधीर रंजन चौधरी के बयान पर पलटवार कर प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी घुसपैठिए, अगर कांग्रेस में कुछ भी समझ है तब वह माफी मांगे। भाजपा नेता ने कहा कि चौधरी स्वयं पश्चिम बंगाल से आते हैं जहां से हमारी सरकार घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम कर रही है। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को अभूतपूर्व जनादेश दिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी चुनाव में हार को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को जनादेश का अभ्यास नहीं हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता ही घुसपैठ
बैठी हैं। समझा जाता है कि उन्होंने ये बात परोक्ष रूप से कांग्रेस अध्यक्ष के संदर्भ में कही है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी विश्व प्रसिद्ध नेता हैं और उनके मार्गदर्शन में अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाने का काम किया। अगर दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो आप एक बार वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले घंटे के बटन को जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की आपको सूचना मिलती रहे। अगला वीडियो है, तब तक के लिए जय हिंद।